हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एहतिशाम। आज हम सीखेंगे आई लाइक द वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य आपके सामने है, वाक्य है कि मुझे पसंद है जैसे नदीम गाना गाता है। तो यहाँ पे मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, बात एक ही है कि मुझे पसंद है जैसे नदीम गाना गाता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मुझे पसंद है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आई लाइक द वे, आई लाइक द वे। तो आई लाइक द वे हो गया, इसका मतलब क्या है, मुझे पसंद है। फिर जैसे के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज। फिर सब्जेक्ट क्या है, नदीम, तो नदीम लिखेंगे यहाँ पे हम नदीम। फिर वर्ब क्या है, गाना, गाने क्या होते हैं, सिंग, और इसमें लगा देंगे एस, सिंग्स अ सॉन्ग। अब एस या एस हमने बताया था क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस का उपयोग करते हैं। अब कहाँ पे एस का करते हैं और कहाँ पे एस का करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। तो भी होता क्या है कि जो वर्ब होती हैं उनके अगर अंत में कोई वॉवेल होता है तो वहाँ पे हम एस का उपयोग करते हैं, बाकी एस का उपयोग करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, खैर ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है क्या है, आई लाइक द वे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आई लाइक द वे, तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है। वाक्य क्या है, मुझे पसंद है जैसे नदीम गाना गाता है। तो इसमें क्या, हम आई लाइक द वे का उपयोग करेंगे, उसके बाद एज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है नदीम, फिर वर्ब क्या है, गाना गाना, तो गाने क्या होते हैं, सिंग, फिर ए सॉन्ग। तो आई लाइक द वे एज नदीम सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से ये वाक्य हमने बना लिया। अगला वाक्य देखते हैं, है कि मुझे पसंद है जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी के काम करने का तरीका मुझे पसंद है या अच्छा लगता है, किसी का कुछ करना मुझे अच्छा लगता है या पसंद है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लाइक द वे का उपयोग करके वाक्य को बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, मुझे पसंद है जैसे धोनी क्रिकेट खेलता है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो मुझे पसंद है, तो जाहिर सी बात क्या लगाएंगे, आई लाइक द वे। तो आई लाइक द वे का मतलब क्या है, मुझे पसंद है। फिर लगाएंगे उसके बाद एज, तो एज, फिर सब्जेक्ट क्या है, धोनी है, तो धोनी, तो आई लाइक द वे एज धोनी। फिर वर्ब क्या है, खेलना, खेलने क्या होती है, प्ले, और उसमें लगा देंगे एस, प्लेस क्या, क्रिकेट। तो आई लाइक द वे एज धोनी प्लेस क्रिकेट। तो बहुत आसान है, बस समझना क्या है कि जहाँ हमें किसी का कार्य करना पसंद है या हमको वो कार्य करना उसका अच्छा लगता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम आई लाइक द वे का उपयोग करके वाक्य को बनाएंगे इस स्ट्रक्चर की सहायता से। चलिए कुछ वाक्य और देख लेते हैं। वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य है कि मुझे अच्छा लगता है जैसे वह गुस्सा करता है। तो अच्छा लगता है या पसंद, हमने बताया था कि चाहे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है, बात वही है। तो मुझे अच्छा लगता है जैसे वह गुस्सा करता है, तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है, तो आई लाइक द वे का उपयोग करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने है, देखते हैं। सबसे पहले आई लाइक द वे, तो आई लाइक द वे का मतलब क्या, मुझे अच्छा लगता है। फिर क्या है, एज, तो लगा देंगे एज। फिर वर्ब क्या है, वह, वह लड़का है, लड़की, लड़का है, तो क्या लगाएंगे, ही। गुस्सा करता है तो गेट एंग्री, गेट एंग्री, तो क्या हुआ, तो आई लाइक द वे एज ही गेट एंग्री। क्या है, अगला वाक्य है कि मुझे अच्छा लगता है जैसे आप पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है या मुझे पसंद है, बात एक ही है। तो क्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई लाइक द वे, तो इसका क्या हो गया, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक द वे। फिर उसके बाद क्या है आपका, एज, तो यहाँ पे लगाएंगे
एज, एज का मतलब होता है जैसे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, आप मतलब यू, तो आई लाइक द वे एज यू। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने क्या होती है, टीच, टीच, कोई दिक्कत ना, आगे कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई लाइक द वे एज यू टीच, मुझे पसंद है जैसे विपिन बातें करता है, ठीक है। तो मुझे पसंद है जैसे विपिन बातें करता है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, सबसे पहले मुझे पसंद है या मुझे अच्छा लगता है, बात वही, क्या लगाएंगे, आई लाइक द वे, फिर क्या रहेगा आपका, एज रहेगा, एज, फिर सब्जेक्ट क्या है, विपिन है, तो विपिन लिखेंगे, फिर उसमें क्या बातें करना, बात करना क्या होती है, टॉक, उसमें कहते हैं एस, टॉक्स काम होता है। तो इस तरीके से क्या बना हुआ कि आई लाइक द वे एज विपिन टॉक्स। तो बहुत आसान है, आज हमने सीखा कि किस तरीके से आई लाइक द वे का यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आपके, हमको पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।